नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह, देवमय इंटर कॉलेज कुरापली मैनपुरी। देखिए, पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बताया हुआ था, नाभिकीय ऊर्जा के ऊपर मैं संख्यात्मक प्रश्न करा रहा हूँ, जिसमें मैंने दो वीडियो बना भी चुका हूँ। जो चीज़ें बेसिक चीज़ें चल रही थी, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूमेरिकल्स पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। मेरा ऑब्जेक्ट ये है कि बच्चे न्यूमेरिकल्स से थोड़े घबराते हैं। धीमे धीमे यही मैं क्वेश्चंस कंपटीशन और जेई मेंस जो हमारे नीट वगैरह होते हैं उनके लेवल तक ले जाऊंगा। तो सबसे पहले जो हमारी टेक्स्ट बुक हैं यूपी बोर्ड्स की या सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड्स की जो टेक्स्ट बुक हैं उनके क्वेश्चंस क्लियर हो जाने चाहिए। जब हम उनके क्वेश्चंस क्लियर कर लेंगे तो फिर हम आपको कठिन क्वेश्चंस की तरफ ले जाएंगे। मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति दृढ़ है तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। ये चीज़ आप अच्छी तरह से समझ के चलिए। चलिए, मैं अब अगला क्वेश्चन लेता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले करा भी चुका हूँ। क्वेश्चन ये है कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन से हीलियम बनाने में कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा प्राप्त होगी। यदि हाइड्रोजन से हीलियम बनाने की प्रक्रिया में 0.4% द्रव्यमान की क्षति होती है, इसका मतलब सीधा सा यह है 0.4% द्रव्यमान की क्षति होती है। अगर हम 1 किलोग्राम, ये आप लीजिए 100 किलोग्राम हाइड्रोजन लेते हैं जिसको हीलियम में बदल देते हैं, तो द्रव्यमान जो क्षति हो जाती है वो 0.4% होती है। तो हम पहले ये निकाल लेंगे कि 1 किलोग्राम का 0.4% कितना होगा, वो हमारी द्रव्यमान क्षति हो जाएगी, और फिर हम वही सूत्र लगाएंगे E=mc2। ठीक है, तो द्रव्यमान क्षति पहले हम निकालेंगे इसमें। तो देखिए, सूत्र वही लगेगा, द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर 1 किलोग्राम का दशमलव 4%, क्योंकि इसमें दिया गया है कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को हीलियम में बदला गया है। तो देखिए, ये हो जाएगा डेल्टा एम बराबर 1×0.4/100। तो ये हो जाएगा 4×10^3 किलोग्राम। अब ऊर्जा हो जाएगी E=mc2। तो ये हो जाएगा 4×10^3×3×10^8² ये आ जाएगा जूल में उत्तर। ठीक, तो ये बराबर 4×9×10^3×10^16। तो 4×36×10^13 जूल ऊर्जा प्राप्त हुई। तो देखिए, इसमें सीधा सा आपको दिख रहा हुआ हमने क्या किया, इसमें सूत्र लगा दिया और सूत्र लगाने के बाद हमें ऊर्जा प्राप्त हो गई, लेकिन इस ऊर्जा को हमें किलोवाट घंटा में निकालना है। ठीक है, तो किलोवाट घंटा में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें आपको पता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर 36×10^6 जूल, 10^6 जूल ये इसके बराबर होता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर 3.6 आएगा, 3.6×10^6 जूल। तो इसमें हम बदल लेंगे 36×10^13 / 3.6×10^6 किलो वाट घंटा। ठीक, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार, तो ये हो जाएगा 10×10^13 में से 6 गए 7 बचेंगे, तो 10×10^7 या 1×10^8 किलो वाट घंटा ठीक। तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए था, एक तो ये सूत्र आपको मालूम होना चाहिए था, ठीक, दूसरा ये भी चीज़ मालूम होना जरूरी था। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं होगी तो इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, वो 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, अब अभी तक हमने इस सूत्र का उपयोग किया, अब हम जो
द्रव्यमान क्षति लेंगे या द्रव्यमान में जो कमी होगी, जो भी नाभ की अभिक्रिया होगी, चाहे वो विखंडन की हो रही हो चाहे वो संलयन की हो रही हो, उसमें जो द्रव्यमान दिए होंगे वो एएमयू के पदों में दिए होंगे। तो एएमयू को पदों में द्रव्यमान जो क्षति होती है उसको मैं हम 931 का गुणा कर देते हैं और 931 का गुणा करने से हमें वो द्रव्यमान क्षति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, कुछ बुक्स में 931.5 भी दिया हुआ है, लेकिन सामान्य तौर से 931 MeV का गुणा कर लेते हैं और द्रव्यमान क्षति जो भी AMU में आती है उसको 931 से गुणा कर देते हैं और 931 से गुणा करके हम आगे निकाल लेते हैं। तो चलिए अब मैं अगले प्रश्न की इसी संबंध में चर्चा करना चाह रहा हूँ जो मैंने अभी चर्चा की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसको समझिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है एक अभिक्रिया है जिसमें रेडियम, ये अभिक्रिया है रेडियम 233, ये बदल रही है। ठीक है, किस में बदल रही है? पीबी 209 पीबी प्लस ये 14C कार्बन, 14C कार्बन में बदल रही है। ठीक है, मैं युक्त गणना कीजिए, मैं मुक्त ऊर्जा, इसमें हमें ऊर्जा भी प्राप्त हो रही है ऊर्जा। ठीक, मैं ऊर्जा की गणना कीजिए जबकि इनका द्रव्यमान दिया हुआ है, इसका भी द्रव्यमान दिया हुआ है, इसका भी द्रव्यमान दिया हुआ है, इसका भी द्रव्यमान दिया हुआ है। ठीक है, का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान 233.018 AMU, 208.981 AMU तथा 14.003 AMU दिया हुआ है। तो देखिए इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, Ra का द्रव्यमान बराबर ये दिया हुआ है 200, इसी के आसपास होगा 200, ये है 233 223 दशमलव, ये 223 है, यहाँ पे 223 223 दशमलव 223 दशमलव ये दिया हुआ है दशमलव 018 AM। ठीक, इसी तरह से इसका द्रव्यमान दिया हुआ 209 PB का द्रव्यमान, और 14C का द्रव्यमान, बराबर। ठीक है, इसका जो द्रव्यमान दिया हुआ है वो 208.981 AMU, और इसका जो द्रव्यमान दिया हुआ है वो 14.003 AM। ठीक, तो द्रव्यमान क्षति क्या होगी, इन दोनों का हम योग करेंगे, इन दोनों का योग वो इससे कम होगा, तो यहाँ पर हम निकालेंगे द्रव्यमान क्षति, क्षति बराबर डेल्टा एम बराबर कितना होगा, इसमें से इसको हम घटा देंगे 223.018 AMU माइनस ये होगी 208.981 प्लस 14.003 AMU। इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो जो हमारी द्रव्यमान क्षति निकल के आएगी वो निकल के आएगी 0.034 AMU, ये हमारी द्रव्यमान क्षति निकल के आएगी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, आपको पता है इसमें दिया भी हुआ है 1 AMU बराबर 931 MeV। अगर इतनी द्रव्यमान क्षति होती है तो उससे 931 MeV ऊर्जा प्राप्त होती है। तो प्राप्त ऊर्जा कितनी हो जाएगी, प्राप्त ऊर्जा बराबर 0.034 × 931 MeV। बस अब हमें सिंपली क्या कर लेना है, इसका हमें गुणा कर लेना है। तो ये करीब करीब 31.654, अगर हम इसका गुणा करेंगे तो ये आएगी 31.654 MeV ऊर्जा प्राप्त होती है। तो
तो इस क्वेश्चन को करने में हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो ये रिलेशन हमें किताब में दिया हो जाता है, प्रश्न में नहीं दिया जाता तब भी हमें पता होना चाहिए, और वही द्रव्यमान क्षति से ये कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पेरेंट्स एलिमेंट्स कहलाते हैं, पेरेंट्स न्यूक्लियस कहलाते हैं, ये डॉटर न्यूक्लियस कहलाते हैं। तो इनका द्रव्यमान कम होता है, इसका द्रव्यमान कम होता है, इनका जो अंतर होता है, इनका और इनका जो अंतर होता है उसके तुल्य जो ऊर्जा होती है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए पीछे हमने ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर का से हमने निकाली थी द्रव्यमान क्षति, अब हम निकालना चाह रहे हैं आपको 931 का गुणा करके। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन एक और है उसको भी देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा पहले देख लेते हैं फिर हम बताते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हीलियम 2He4 हीलियम के नाभिक के प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा, हीलियम के नाभिक को हम अल्फा कण पे कहते हैं, हीलियम के नाभिक की प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा 7.0756 MeV है। नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति की गणना कीजिए। ठीक है, हीलियम के नाभिक की प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा दी हुई है। ठीक है, हीलियम के नाभिक की नाभिक के प्रति न्यूक्लियॉन न्यूक्लियॉन ऑन बंधन ऊर्जा ये प्रश्न में दी हुई है, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा दी हुई है 7.0756, 7.0756 MeV ये दी हुई है। ठीक है, अब आपको पता है हीलियम के नाभिक में दो प्रोटॉन होंगे दो न्यूट्रॉन होंगे, तो हीलियम के नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या बराबर 2 × 2, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन बराबर 4, न्यूक्लियनों की संख्या कितनी हो गई 4। तो कुल बंधन ऊर्जा क्या करेंगे इसमें हम गुणा कर देंगे, तो हीलियम के नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा हीलियम के नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा कुल बंधन ऊर्जा बराबर 4×7.0756 MeV, ये कुल बंधन ऊर्जा हो गई। ठीक है, तो जब हम इसको बदलेंगे तो इसको थोड़ा गुणा कराएंगे तो ये हमारी जो गुणा गुणनफल जो निकल के आएगा वो 28.3024 MeV, इतना हमारा ये इसकी कुल बंधन ऊर्जा निकल के आई। ठीक है, ये जो बंधन ऊर्जा होगी इस बंधन ऊर्जा से हम आगे को क्या निकाल लेंगे द्रव्यमान क्षति, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 931 का गुणा करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, तो द्रव्यमान क्षति क्षति डेल्टा एम बराबर 28.3024 MeV बटे 931 MeV। ठीक है, तो ये इसमें भाग देंगे इसको, तो ये उत्तर जो आएगा वो हमारा AMU में आएगा। ठीक, तो इसको भाग देने के बाद जो हमारा गुण वो निकल के आएगा वो 0.304 AM। अब अगर हमें किलोग्राम में बदलना है तो हमें 1 AMU बराबर पता है, 1.66 1 AMU के बराबर किसके बराबर होता है, 1 AMU बराबर 1.6×10^7 1.6×10^27 27
किलोग्राम, ठीक। तो इसको ये कितने के बराबर हो जाएगा, 0.0304 गुणित 1.66 गुणित 10^10 ऋण 27 किलोग्राम किलोग्राम, ठीक है। तो इसको हम जब गुणा करके निकालेंगे तो ये करीब निकल के आएगा 5.05 गुणित 10^10 ऋण 29, 5.05 गुणित 10^10 ऋण 29 किलोग्राम किलोग्राम, ये हमारा उत्तर होगा, फाइनल उत्तर। तो इसमें ये थोड़ा क्वेश्चन था जो हम अभी तक सरल से क्वेश्चन करा रहे थे, अब थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ता जा रहा, ये कुछ क्वेश्चन था थोड़ा उनसे हटके था, ठीक है। तो इसी तरह से अब अगला भी एक क्वेश्चन ये है जो कि इसका उल्टा है। इसमें पिछले क्वेश्चन में क्या था, प्रतिनिकूलन बंधन ऊर्जा दी हुई थी, उससे हमने क्या निकाला, कुल बंधन ऊर्जा निकाली, फिर हमने द्रव्यमान क्षति निकाली। अब क्या है, अब आपको द्रव्यमान क्षति दी हुई है, ये सीधी सीधी एएमयू में दी हुई है, और उससे हमें प्रतिनिकूलन बंधन ऊर्जा निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, इसको अभी हम बताते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अच्छा था, सिंपल कैलकुलेशन करना है। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था हीलियम नाभिक 2He4 के नाभिक की द्रव्यमान क्षति 0.0303 AMU है, प्रतिनिकूलन बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक है। तो हीलियम के नाभिक की द्रव्यमान क्षति, हीलियम के नाभिक की द्रव्यमान क्षति, क्षति द्रव्यमान क्षति किसमें दी हुई है, एएमयू के पदों में दी है। ये दी हुई है डेल्टा एम बराबर 0.0303 एएमयू, एएमयू दिया हुआ, ठीक है। इसकी प्रतिनिकूलन बंधन ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है, प्रतिनिकूलन लॉन बंधन ऊर्जा, ये हमें निकालनी है, प्रतिनिकूलन बंधन ऊर्जा हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियॉन ऑन बंधन ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो और इसमें एक और चीज दी है, 1 AMU = 931 MeV, ठीक। हीलियम के नाभिक की द्रव्यमान क्षति तो ये, तो हमें बंधन ऊर्जा कितनी हो जाएगी, बंधन ऊर्जा = 0.0303 931 MeV। अच्छा न्यूक्लियनों की संख्या कितनी होगी, पिछले क्वेश्चन में हमने निकाली थी उनों की संख्या, की संख्या बराबर होगी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बराबर 4, ठीक। बंधन ऊर्जा हमारी निकल के आ गई। अब प्रतिनिक्लियॉन बंधन ऊर्जा, प्रतिनिक्लियॉन बंधन ऊर्जा, प्रतिनिक्लियॉन बंधन ऊर्जा कितनी होगी, ये हम निकाल लेंगे 0.0303931/4 MeV, ठीक। बस इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सीधा सा हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व हम जब करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो लगभग 7.05 MeV, ये हमारा उत्तर निकल के आएगा। तो इसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन पहले की तुलना में कठिन तो था ही, लेकिन सरल था। ये चीज़ें देखिए बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, बच्चे हाई फाई में ज़्यादा
मिलते हैं, ऐसा नहीं। पहले हमें अपना बेस क्लियर करना चाहिए और बेस जितना हमारा मजबूत होगा उतना ही फिर हमें क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के बारे में हम अभी देखो चर्चा करते हैं, और इस ये क्वेश्चन अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो ये दो नंबर में क्वेश्चन आता, तो अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन आपको पता है क्या होता है, ड्यूट्रॉन हीलियम का समस्थानिक होता है, ठीक है। उसका 1H1 होता है हाइड्रोजन का, ये ड्यूट्रॉन 1H2 जो हाइड्रोजन होता है उसका समस्थानिक होता है, का द्रव्यमान 3.3444 × 10^27 किलोग्राम है, और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 × 10^27 किलोग्राम, तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 × 10^27 किलोग्राम है। ड्यूट्रॉन की द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा EB में ज्ञात करिए। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, अभी तक तो जो सवाल पूछे गए थे उनकी तुलना में ये अलग है। तो मैं पहले ये लिख लेता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। देखिए ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान 3.3444 × 10^27 किलोग्राम, इसमें द्रव्यमान किलोग्राम में दिया हुआ है, ठीक। ये तो हमारा ड्यूट्रॉन का दिया हुआ है, ठीक। ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन, ठीक। अच्छा आप दूसरा उसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ये दिया हुआ है 1.673 × 10^27 किलोग्राम, ठीक। और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर एक, ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो दिया हुआ है वो 1.675 × 10^27 किलोग्राम, ठीक है। तो देखिए एक ड्यूट्रॉन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक ड्यूट्रॉन के अंदर एक प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। एक प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रॉन होगा, और उससे हम क्या निकालेंगे, द्रव्यमान क्षति। देखिए द्रव्यमान क्षति में क्या हो निकालेंगे, ऐसे द्रव्यमान क्षति क्षति बराबर सभी प्रोटोनों का द्रव्यमान प्लस धन सभी न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान, अब बराबर, अब इसमें क्या है, एक प्रोटॉन है तो 1.6773 × 10^27 प्लस एक ही हमारा न्यूट्रॉन है तो 1.675 × 10^27 माइनस 3.3444 × 10^27, ये जो उत्तर होगा वो हमारा किस में होगा, किलोग्राम में होगा,
ठीक है। तो इसको हम जो हम सॉल्व करेंगे तो 0.004 ये आएगा, 0.004 गुणे 10^27 किलोग्राम किलोग्राम। ठीक है, प्रश्न में पूछा क्या गया था, द्रव्यमान क्षति हमने निकाल ली। ठीक है, अब इसकी हमें पूछी है ऊर्जा ई बी में ज्ञात करिए। तो ऊर्जा ई बी में हमें ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आगे निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर का हम सूत्र लगा देंगे तो ये हमारी बंधन ऊर्जा आ जाएगी। देखिए बंधन ऊर्जा ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो ये हो गया 0.004 गुणे 10^-27 × 3 × 10^8 का होल स्क्वायर जूल, ये जूल में आ गया। ठीक है, अब इसको हमें किस में बदलना है, ई बी में बदलना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको 0.004 गुणे 10^27 × 3 × 10^8 का होल स्क्वायर, और इसमें भाग दे देंगे 1.6 × 10^19 का। तो ये हमारा उत्तर जो होगा वो किस में आ जाएगा, ई बी में। ठीक है, तो ये इसको एम ई बी में बदलना है तो 0.004 गुणित 10^27 गुणित 3 × 10^8 का होल स्क्वायर अपॉन अपॉन 1.6 गुणित 10^19 × 10^6। तो ये हमारा जो उत्तर होगा वो हमारा एम बी में होगा जी। तो ये लगभग उत्तर आएगा 2.25 mm, 2.25 mm में उत्तर आ गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, कुछ नहीं था, सिंपल कैलकुलेशन करना ही थी, एडिशन करना था, मल्टीप्लिकेशन करना था। तो इस टाइप का जो प्रश्न होता है वो हमारा 3 नंबर में आता है। ठीक है, अब देखिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर इस क्वेश्चन की चर्चा होती है कि अल्फा कण, चलिए अल्फा कण की बंधन ऊर्जा हमें निकाल रही है। देखिए इसको बहुत अच्छी तरह हर सेट में दिया जाता है, हर क्वेश्चंस में अक्सर ये पूछ भी लिया जाता है बोर्ड में, अल्फा कण की बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है, ए एम यू के पदों में प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.0728 ए एम यू है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है 1.0867 ए एम यू दिया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है 0.0055 ए एम यू, साथ ही हीलियम के परमाणु का द्रव्यमान भी दिया गया है, और ये दिया हुआ है 1 AMU = 931 MeV। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हीलियम का जो नाभिक होता है उसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम का नाभिक, हीलियम के नाभिक नाभिक जिसको हम कहते हैं अल्फा कण या अल्फा कण में 2 प्रोटॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ये चीज हमें पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें 1 प्रोटॉन की द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, द्रव्यमान क्षति। वही द्रव्यमान क्षति क्या होगी, द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम। देखिए सभी प्रोटोनों का द्रव्यमान प्लस सभी न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान ये तो हो गया इसके न्यूक्लियस का, माइनस माइनस अल्फा कण के अल्फा
कण के या हीलियम, हीलियम ले लेते हैं, हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान, हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान, का द्रव्यमान द्रव्यमान हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान। ठीक है, अब हम इसमें मान रख देते हैं। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं इसमें दो प्रोटॉन होंगे, तो दो गुणित एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है 1.0728, 1.0728 प्लस इसी तरह दो न्यूट्रॉन होंगे, तो दो गुणित 1.00867, 1.00867। ठीक, माइनस इसमें हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान है 4 दशमलव, ये हमारा दिया हुआ है हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान, ये हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, माइनस इसमें हीलियम के नाभिक, क्योंकि इसमें से हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाल देंगे, तो ये दिया हुआ 4.00006260, 260 माइनस इसमें हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाल देंगे, और इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे 2, तो 2.00555 AMU। ठीक है, तो इस तरह से इसमें एक जीरो और होगा यहाँ पे इस तरह से 0.00। ठीक, इसको हम जब सॉल्व करेंगे, इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर ये आएगा 0.0340 AMU, इसको हम जब पूरे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमें पता है 1 AMU, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, इसकी बंधन ऊर्जा निकाल लेंगे। ठीक है, तो बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा 0.0340 × 931 MU। ठीक है, हमें निकालनी है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा में हम इसमें हम कितने का भाग दे देंगे, 4 का, तो प्रति न्यूक्लियॉन न्यूक्लियॉन ऑन बंधन ऊर्जा बराबर 0.0340 × 931/4 MU। ठीक है, तो ये भी बड़ा क्वेश्चन सरल था, ये लगभग निकल गया आएगा 7.0756 है। तो ये जो क्वेश्चन था वो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन था, इसको मैंने बड़े सिंपल तरीके से बता दिया, इसमें कुछ नहीं करना है। ये देखो यहाँ पे एक टेक्निकल बात दी हुई थी, क्वेश्चन में हीलियम के परमाणु का द्रव्यमान दिया हुआ है, ये यहाँ पे गलती बच्चे करते हैं, और उसमें साथ में इलेक्ट्रॉनों का भी द्रव्यमान दिया है, तो अगर हमें हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो हीलियम के का जो परमाणु का द्रव्यमान है उसमें से हम किसका द्रव्यमान घटा देंगे, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान घटा देंगे, तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा सवाल था, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वही द्रव्यमान क्षति पर आधारित है, इसको देखिए, लेकिन इन सबसे थोड़ा अलग हटके है। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं फिर हम आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या है, यदि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों के द्रव्यमान दिए हुए हैं, ठीक है, तो अल्फा कण की बंधन ऊर्जा, प्रतिनिकुलन बंधन ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। देखिए इसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है, और अल्फा कणों का द्रव्यमान दिया, हम पिछले क्वेश्चन में अल्फा परमाणु का द्रव्यमान दिया था, इसमें क्या दिया है, अल्फा कण का द्रव्यमान दिया है, तो इसको हमें समझना होगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको हम कैसे करते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें दिया हुआ है प्रोटॉन का द्रव्यमान MP, MN और M अल्फा दिया हुआ है, ये हमें सब दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है 1.0728, 728 AM। ठीक, दूसरा दिया हुआ है 1.00867,
7 AM, और तीसरा दिया हुआ है 1.00 0.00 0.00150 0 AM, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब और साथ में ये भी दिया हुआ है 1 AMU बराबर बराबर 931 MeV, ये भी दिया हुआ 931 MeV। ठीक, ये चीज़ें दी हुई हैं। अब हमें ये पता है अल्फा कण में दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा कण में दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये होते हैं दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके न्यूक्लियनों का द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक है, और सीधा सीधा हम द्रव्यमान क्षति भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। देखिए द्रव्यमान क्षति क्या होगी, द्रव्यमान क्षति क्षति बराबर देखिए 2 × Mp + 2 × Mn, ठीक, माइनस एम अल्फा। इसमें रख दीजिए, देखिए 2 × 1.00728 + 2 × 1.00867 - 4.00150 AM। ठीक, तो जब हम इसको सरल करेंगे तो सरल करने पर जो हमारा कैलकुलेशन आएगा वो 0.03040 AM, ये हमारा निकल के आएगा। ठीक है, अब अल्फा कण की बंधन ऊर्जा, अल्फा कण की बंधन ऊर्जा, इस टाइप के कंसेप्ट कई एक बार आ चुका है, बंधन ऊर्जा बराबर 0.03040 × 931 MeV, 931 MeV। तो इसको हम जब सरल करेंगे तो 28.30 यह आएगा, 28.3024 MeV, ये हमारा उत्तर निकल गया, 28.3024 MeV, ये हमारे उत्तर निकल के आएंगे। और हमें ये तो कुल हुई, अब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी है अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन ऑन बंधन ऊर्जा, ऊर्जा बराबर 28.4 × 4। तो ये 4 का भाग देंगे तो लगभग वही आएगी 7.07756 MeV। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल था और इसको आपको, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा है। इसमें ये दिया हुआ है कि 1 न्यूट्रॉन, चलिए पहले इसको हटा देते हैं तब उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, 1 न्यूटॉन का द्रव्यमान 1.090 तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.0081 MeV है। यदि हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान 4.082 AMU हो तो हीलियम की बंधन ऊर्जा हमें ज्ञात करनी, बिल्कुल इसी तरह से है जैसा अभी हमने निकाला था। देखो कैसे, अब हम थोड़ा सा शॉर्टकट में निकालते हैं। देखिए बंधन ऊर्जा बराबर, बंधन ऊर्जा बराबर, हीलियम है तो इसमें हमारे हमारे जो प्रोटॉन होंगे वो दो होंगे, तो 2 × Mp + 2 × Mn, ठीक, माइनस इसमें एम अल्फा और × 931 MeV, ठीक, क्योंकि ये AMU के पदों में दिए हुए हैं। ठीक,
ठीक है, तो हम इसको निकाल लेंगे बराबर। आपने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, 2 इंटू इसमें अल्फा कण का द्रव्यमान दिया है 1.0008 AU। देखिए अल्फा कण का द्रव्यमान जो होता है किसी बुक्स में किसी क्वेश्चन में कुछ और दिया होता है किसी, तो उसमें आप रटने की जरूरत नहीं है, अलग अलग तरीके से दिया होता है। 2 इंटू 1.00 ये दिया हुआ है 90 AU। ठीक, इसको ब्लैक इन बंद कर दिया। माइनस इसमें जो अल्फा कण है उसके नाभिक के हीलियम का नाभिक का विद्यमान दिया वो 4.0000 दिया हुआ है 8 2, ठीक है 8 2 इंटू 931 MeV। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा आएगा ये अंतर आएगा 0.0260 × 931 MeV। ठीक, इसको 931 MeV भी आ गया और ये आ जाएगा 24.2 MeV, 24.2 MeV भी उत्तर आ गया। ठीक है, हीलियम की बंधन ऊर्जा हमें किसमें ज्ञात करनी है, ईबी में ज्ञात करनी है। तो इस तरह से आज अभी और एक दो इसके न्यूमेरिकल्स की क्लास होगी, आज भी जो क्वेश्चन थे वो पहले की तुलना में ये कहिए कि ये मीडियम क्लास के क्वेश्चन थे, अब जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे वो थोड़े से टफ होंगे। ठीक है, वो होंगे जो अक्सर 5 नंबर में पूछे जाते हैं, और ये आप समझ लीजिए हर बोर्ड परीक्षा में किसी कोई सा भी बोर्ड हो और कोई भी सी भी परीक्षा हो, चाहे किसी भी प्रदेश की परीक्षा हो, इसमें से एक क्वेश्चन आपका अवश्य आता है। इसी वजह से मैं हमने हर चीज़ को बेसिक लेके समझाया, तो मैं समझता हूँ कि ये आपको मेरी क्लास है वो अच्छी तरह समझ में आई होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ओके, गुड नाइट।